Hi everyone. Retail pharmacy industry in India is expected to grow at a CAGR of 6.5% between 2021 to 2026. India has over 8 lakh retail pharmacies, making it one of the largest retail pharmacy markets in the world. The organized retail pharmacy sector in India accounts for only 20% of the overall market, with remaining 80% being dominated by unorganized players. फार्मेसी रिटेल सेक्टर को स्टडी करने के लिए हमें अपर मेडिसिन मार्केट को समझना होगा, इंडिया के अंदर कैसे मेडिसिन मार्केट काम करती है। सबसे पहला प्लेयर होता है इसमें मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर और उसके बाद आता है कस्टमर। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रिटेल एस्पेक्ट को। अगर इस वीडियो के ऊपर आप कर देते हो 50 लाइक्स तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसके बाद हम होलसेलर के ऊपर और मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैन्युफैक्चरर और होलसेल बिजनेस को भी हम स्टडी करें तो इस वीडियो के ऊपर आपको करने होंगे 50 लाइक्स। If you want to start your retail pharmacy, you will be needed drug license from drug inspector of your area. Wholesaler आपको supply नहीं करेगा, आपको stock नहीं देगा अगर आपके पास एक valid drug license नहीं है। अब अगर आपको यहाँ पर retail pharmacy store open करना है तो यहाँ पर आपको कुछ investments की जरूरत होंगी। आपकी initial investment depend करती है चार major factors के ऊपर। पहला, quantity of medicines। Second, additional products जैसे कि cosmetics या beauty products। Third, furniture। और fourth, rent या फिर land charges। अब अगर हम इस बिजनेस मॉडल को समझें तो यहाँ पर हम कैपिटल को कुछ चीज़ों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन के अंदर लगभग आपके 25,000 लगते हैं, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फीस, लाइसेंस और जितने भी परमिट्स होते हैं वो सब आपको मिलते हैं। डिस्प्ले रैक्स लगाना, शेल्स लगाने, फर्नीचर लगाना, यहाँ पर आपका 1 लाख तक का खर्चा हो सकता है। कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेटर और एसी जैसे इक्विपमेंट्स को अगर आप लाते हो अपने स्टोर के अंदर तो 1 से 1.5 लाख यहाँ पर लगेगा। वर्किंग स्टाफ जो आपके रिटेल स्टोर पर काम करेंगे वहाँ पर आपको 1 लाख तक खर्चने होंगे। स्टॉक को परचेज करना, रेंट देना या ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर आपको और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 3.5 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आपको एक रिटेल स्टोर ओपन करना है। लेकिन ये एक बड़ा ही एवरेज नंबर है, ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही रुपए लगेंगे, ये एक रफ एस्टिमेट है। आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर, साइज ऑफ स्टोर के ऊपर, आप कितना स्टॉक मंगवा रहे हो, क्या सर्विसेज आप दे रहे हो अपने स्टोर के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है। काफ़ी सारे बच्चे जल्दबाजी के अंदर रिटेल स्टोर ओपन कर लेते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होते। यहाँ पर रिकमेंडेड है कि अगर आप एक बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर फार्मडी ग्रेजुएट हैं और आप अपनी रिटेल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में डिग्री लेने के बाद एकदम से ही अपना स्टोर ओपन ना करें, काम करें किसी अच्छे रिटेल स्टोर के ऊपर जहाँ पर कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, जिससे आपको यहाँ पर कैपिटल गेन हो जाएगी एज अ सैलरी जो आप कमाओगे। साथ में आपको एक इनसाइट्स मिल जाएंगे कि रिटेल मार्केट काम कैसे करता है, आपके कनेक्शंस बन जाएंगे, आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा एरिया के अंदर और आप जान लोगे कि बिजनेस कैसे करना है रिटेल फार्मेसी में। उसके बाद आप अपने दूसरा स्टोर ओपन कर सकते हो उसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से और कुछ लोन लेकर। अब रिटेल फार्मेसी के अंदर या किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर एक बिजनेस रूल होता है जिसे हम 3L रूल बोलते हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप अपना रिटेल स्टोर ओपन करना चाहते हो। लोकेशन को कैसे चूज करें, 3 चीज़ें। लोकेशन वो होनी चाहिए जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज, जहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हों। लोकेशन वो होनी चाहिए जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो। लोकेशन वो होनी चाहिए जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, वो लोकेशन को आप चूज़ करें। किसी भी रिटेल बिजनेस के अंदर आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मेडिसिन के बिजनेस के अंदर मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है किसी और बिजनेस के मुकाबले। सो अगर आपको थोड़े से पैसे और खर्चने पड़ते हैं लोकेशन अच्छी लेने के लिए तो आपको वो करना चाहिए, ये स्टेप आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लोकेशन प्राइम होती है तो यहाँ पर जो फुटफॉल्स हैं वो ज़्यादा होंगे और अगर फुटफॉल ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। फार्मेसी सेक्टर के अंदर अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर, जो मैं ब्रांडेड मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको 20 से 30% मार्जिन मिलता है। और मेडिसिन एक नेसेसिटी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है और यहाँ पर ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस आता है। तो अगर कोई भी यहाँ पर पेंडेमिक हो, एंडेमिक हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब भी आपका बिजनेस चलता रहेगा। और यहाँ पर कस्टमर के पास कोई चॉइस भी नहीं होती है कि उसे एक मेडिसिन नहीं लेनी है, उसे दूसरी लेनी है। तो यहाँ पर रिटेल फार्मेसी क्यों अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा कस्टमर को वही लेनी होगी, पेशेंट को वही लेनी होगी और उसमें कोई बार्गेनिंग भी नहीं होती। तो यहाँ पर आपको अच्छा मार्जिन मिलता है, आपको जो मेडिसिन हैं वही बेचनी है, कस्टमर आपको कोई ऑप्शंस नहीं दे सकता, कस्टमर आपके साथ बार्गेन नहीं कर सकता, अच्छा मार्जिन आपको मिलता है और डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कस्टमर को वही लेनी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस बिजनेस के अंदर। अब रिटेल फार्मेसी के अंदर भी 3 तरह के बिजनेस मॉडल आते हैं। पहला, क्लिनिकल फार्मेसी स्टोर, सेकेंड होता है इंडिविजुअल फार्मेसी स्टोर और थर्ड होता है रिटेल फार्मेसी फ्रेंचाइजी। फर्स्ट, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी स्टोर का मतलब है कि हॉस्पिटल के अंदर आपकी एक रिटेल फार्मेसी स्टोर होगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा डॉक्टर के साथ, जिसमें आपको अप टू 10% मार्जिन देना होगा डॉक्टर को,
क्योंकि डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा अपने पेशेंट्स को, वो पेशेंट्स आपके स्टोर से मेडिसिन परचेज करेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, या तो आपको 2-3% मंथली डॉक्टर को देना होगा, या फिर वो आपके साथ डील करते हैं कि 5,000-10,000 महीना आपको डॉक्टर को देना होगा अगर आप जितनी भी कमाई कर रहे हो अपने स्टोर से। तो एक ऑप्शन होता है क्लिनिकल फार्मेसी का। सेकंड बिजनेस मॉडल है रिटेल फार्मेसी का, इंडिविजुअल फार्मेसी स्टोर। यहाँ पर आपको खुद का एक फार्मेसी स्टोर होता है और इस मॉडल के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्जिन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 30% तक मार्जिन गेन कर सकते हो ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर, और जेनरिक के ऊपर ये और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल रिटेल स्टोर के अंदर एक आपको बिजनेस प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व करनी होती है, और काफ़ी रिटेल स्टोर्स ये सॉल्व नहीं कर पाते। यहाँ पर आपको बहुत सारी मेडिसिन को स्टॉक करना होता है जो रनिंग मेडिसिन होती हैं, जो हर बार बिक रही होती हैं। और कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन लिखी होती हैं जो आपके स्टोर पर नहीं होती, तो आपको नहीं पता होगा काफ़ी बार कि आपको कौन सी मेडिसिन रखनी है। ये एक केस हो सकता है जो एक लिमिटेशन भी हो सकती है इस बिजनेस मॉडल की। लेकिन यहाँ पर जो मार्जिन है वो क्लिनिकल फार्मेसी स्टोर से ज़्यादा होता है। थर्ड बिजनेस मॉडल है रिटेल फार्मेसी फ्रेंचाइजी। फार्मा फ्रेंचाइजी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर इसे सही कंपनी के साथ किया जाए। फ्रेंचाइजी फीस यहाँ पर 1-5 लाख तक हो सकती है अगर आपको किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी चाहिए, और यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आपको फुलफिल करनी होती हैं। अब आप फ्रेंचाइजी को कैसे चूज़ करें फार्मेसी मार्केट के अंदर, अगर आपको किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी चाहिए तो फार्मेसी सेक्टर के अंदर उस चीज़ को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी कंपनी सही है। कुछ फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखनी है, कंपनी की रेपुटेशन को चेक करें, उस कंपनी का एक्सपीरियंस चेक करें, ब्रांड की प्रोडक्ट रेंज को चेक करें, क्वालिटी चेक करें, मार्केटिंग सपोर्ट कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना देने वाली है फ्रेंचाइजी, ये सब पहले डिस्कस करें, उसके बाद ही आप फ्रेंचाइजी लें। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आ जाएं इस वीडियो के कि कितना अर्न करते हैं रिटेल फार्मासिस्ट। अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव से देखोगे, अगर आप अपने आसपास के फार्मेसी रिटेल स्टोर्स के ओनर्स के पास जाओगे और उनसे पूछोगे कि आप कितना अर्न करते हो, तो ओनर्स काफ़ी बार ये रिवील नहीं करते और वो कहते हैं कि बहुत बिजनेस कम है, मार्केट में सैचुरेशन आ गई है, यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहे। लेकिन ये सब झूठ है। इंडिया के अंदर एवरेज रिटेल फार्मेसी शॉप ओनर 40,000-80,000 तक पर मंथ कमा लेता है एवरेज। टोटल सेल हो जाती है यहाँ पर 1.5 लाख तक की एक शॉप से, अगर अच्छी लोकेशन के ऊपर है और वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी है। अगर जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर जो मार्जिन है वो 30%-50% तक जाता है, तो यहाँ पर जो इनकम वाला एस्पेक्ट है वो काफ़ी रिच है रिटेल फार्मेसी स्टोर ओनर्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सारे फार्मेसी रिटेल बिजनेस ओनर फेस कर रहे हैं वो है ग्रोथ। अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसे लाएं, ये है इस वीडियो का फाइनल स्टेप, जो यहाँ पर आकर काफ़ी सारे ओनर्स रुक जाते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं होती। कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करें, वाइड रेंज प्रोडक्ट्स को ऑफर करें, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने काम में एफिशिएंट हो सकें, ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करें, डिस्काउंट्स दें, लॉयल्टी प्रोग्राम्स को रन करें, अलग अलग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट करें, अपने रेफरल को इंक्रीज करें, हेल्थ कैंप्स को लगाएं, डॉक्टर्स को इनवाइट करें, होम डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं तो होम डिलीवरी प्रोवाइड करें, जिससे आपकी जो एक मार्केट है वो आपकी वाइडर हो जाती है। और अगर आपकी मार्केट वाइड होती है लोकेशन के अंदर तो यहाँ पर फुटफॉल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और फुटफॉल इंक्रीज होंगे तो आप अपने रिटेल स्टोर्स अलग अलग लोकेशन के ऊपर और ओपन कर सकते हो। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा रिटेल फार्मेसी मार्केट को इंडिया के अंदर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए अगर आपको ओपन करनी है रिटेल स्टोर, कुछ फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं रिटेल फार्मेसी स्टोर को ओपन करने से पहले जो हमें ध्यान में रखने हैं, 3 तरह के बिजनेस मॉडल रिटेल फार्मेसी के अंदर, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडिविजुअल रिटेल फार्मेसी और फार्मेसी रिटेल फ्रेंचाइजी, और कैसे ग्रो करें अपने रिटेल फार्मेसी बिजनेस को। अगर आप चाहते हैं कि होलसेल और मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी हम ऐसे ही वीडियो बनाएं, डिस्कस करें उन बिजनेस मॉडल्स को, तो इस वीडियो के ऊपर आपको करने होंगे 50 लाइक्स। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।